हाय फ्रेंड्स, आलू का पराठा और नानू के लिए नूडल्स हम बनी हैं, यहाँ पे यही अवेलेबल है। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग 7 बजे निकले थे और अभी रास्ते में लगभग 2 घंटे के रास्ते के बाद एक होटल आया है ब्यूटीफुल, वहाँ पे गाड़ी रुकी है और अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। 16 किलोमीटर और बचा है देवप्रयाग, तो बस पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग। और देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल ये जो होटल, जहाँ पर किस तरीके से पहाड़ों का काट के होटल बनी हुई है, वो नज़ारा मैंने आपको बताया है अभी कितना खूबसूरत। और देवप्रयाग संगम के हम दर्शन करेंगे कुछ ही समय बाद, तो बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मिलता है छोला आलू पराठा और बच्चों के लिए नूडल्स अवेलेबल है, तो हम लोग आलू पराठा ले रहे हैं और सुधांत के लिए हमने ऑर्डर किया है नूडल्स, तो बने रहिएगा दोस्तों। कुछ ही समय बाद हम लोग मिलते हैं देवप्रयाग में। फोटो बहुत शानदार आएंगे ना भैया। भैया संगम जाना है, ब्रिज क्रॉस करके सामने जा रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो। मैं डर लगता है। मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। वाओ, यह फोटो लेंगे अपन तैयार होने के बाद। गजब, ब्यूटीफुल। और उधर से वाला भी आ रही है लगभग। देख लो ना, थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ वाओ, ये संगम।
वो संगम दिख रहा है। ये तो गिम्बल से शूट करना पड़ेगा, पूरा रोटेट पूरा। यहाँ फोटो लेंगे अपन, शानदार। तैयार हो जाए पहले स्नान करके। ये वो राम लक्ष्मण झूला जैसे झूला है। वाह यार, ये अलकनंदा है। नहीं, यहाँ गंगा थोड़ी है। हाँ क्यों, मैं नीचे चलूँ ना? देख सकते हैं दोस्तों आप, दो नदियों का मिलन, संगम। ये शूटिंग तो नानू पूरी अभी गिम्बल से लेंगे यार। तो कर लो ना, आराम से बोलो ना, गिम्बल से लेंगे पूरी। सुना, देखो एक नदी शांत है, ये अलकनंदा है ना, ये वो गंगा, ये अलकनंदा है और वो भागीरथी है। हाँ वही, और भागीरथी हो गंगा। अलकनंदा देखो आप, शांत है, आवाज ही नहीं है, और भागीरथी कलर बिल्कुल दोनों पानी के वाकई में देखो आप अलग अलग। पंजाब आया था तब तो और ज्यादा था, अभी फिर भी तभी। देख सकते हैं दोस्तों आप, देवप्रयाग जो संगम के लिए जाना जाता है, एक तरफ है भागीरथी कल कल की आवाज करती हुई, और एक तरफ है शांत अलकनंदा। पवित्र स्थान को नमन करो बेटा, इन पवित्र जल को नमन करो, सूर्य देव को नमन करो, पितृ देवता के लिए जल छोड़ो, फिर अपने पितरों के लिए, दादा दादी के लिए। एक काम करो,
क्यों बैठ जाओ फटाफट, फिर पापा और हम तो इधर साथ में बैठेंगे। बैठ जा नीचे, जैसे कल गंगा जी में डुबकी लगाई कि नहीं लगाई। बैठ जा तू तो नीचे वहाँ। हाँ यहाँ एक उछाल आया पानी का कि तू मस्त गीला हो जाएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ बस अब उधर लोटा भर भर के नदी में से उधर से ना ले फटाफट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, श्रीकृष्णाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, श्रीकृष्णाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम श्रीकृष्णाय नमः स्वाहा। तो उपाधि चंद्रावह महा कृष्ण पकड़ हरि ओम महाप्रतिवेदे मंत्रस्य क्या बेटा दोनों करना हाथ लगाना। ये ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड के यहाँ छोड़ना। हाँ एक मिनट के बाद यहीं पे आए भगवान राम। हाँ जी। और 11 वर्ष उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया और यहीं पे अपने पितरों का जलदान तर्पण वगैरह किया। ये जो सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पानी घूम रहा है जी, है ना, ये भगवान का नाभि क्षेत्र है जी। गया में पांव है, यहाँ पे नाभि है और बद्रीनाथ में सिर का भाग है, है ना जी। ये जो नदी आ रही है इसमें 5 नदियाँ और हैं, सरस्वती नदी, धौली गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर नदी। ये जो सामने नदी आ रही है इसको राजा भगीरथ लाए थे अपने पितरों के उद्धार के लिए। ये है, ये आती है गौमुख से। इसमें एक नदी और है विलंगना, ये तो आती है शंकर जटाओं से, इसको कहते हैं जटाशंकरी। ये आती है विष्णु चरण से, इसको कहते हैं विष्णुपति। जटाशंकरी विष्णुपति जब भगवान के नाभि कुंड में जा रही है तो यहाँ से ब्रह्म कमंडली हो जाती है, यहाँ से गंगा जी की धारा बनी, यहाँ से गंगा कहलाई, यहाँ से गंगा कहलाई जी। और यहाँ से गंगा सागर से इसका नाम, इसका नाम गंगा ही है जी, है ना। और इसके बाद में भागीरथी ले जाती है ना अलकनंदा, यहाँ पे ये पितरों को उतारने के लिए है और ये सुख सौभाग्य के लिए है, है ना जी। हम वहाँ पे मार्जन कर लीजिए। नदी की ओर जाते या नहाते वक्त तस्वीर करें। काइंड अटेंशन प्लीज, water levels may rise due to release of water from PV power house. Please be cautious while going into river or while passing. ये नहीं बनता है मैं।
तो दोस्तों देव प्रयाग के हमने दर्शन किए, संगम का दर्शन करवाया मैंने आपको, और आरती शाम की जो होती है 6 बजे करीब होती है वो भी मैंने आपको करवाई। और देख सकते हैं आप ये सिद्ध स्थली एक गुफा है संगम के पास। तो अभी खाना खाने में लेट है हम लोग, थोड़ा 8-9 बजे तक खाना खाएंगे। तो देख सकते हैं आप पंडित जी ने अलाव लगाया हुआ है, तो और बहुत ही पवित्र धरती है जहाँ पर साधु संत आके सिद्ध करते हैं उनका, क्या करते हैं बेटा, सिद्ध योगी आकर यहाँ पर तपस्या करते हैं। तो वो स्थान है, तो हम लोग इसी बहाने इस पवित्र धरती पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप। आई होप ये पूरा व्लॉग आपको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, तो बने रहिएगा।